हेलो एवरीवन वेलकम टू इन्फिनीटी लर्न बाय श्री चैतन्य माय नेम इज़ विभाती और आज के सेशन में हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स सो यू वाइज आर अवेयर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा ट्रिगनोमेट्री टेंथ में तो वही पार्ट हमारा इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में भी यूज होता है लेकिन इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन दो ऐसे टॉपिक्स है जो आप टेंथ में नहीं पढ़ते हो सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर आई वॉन्ट टू रिवाइज दिस पर्टिकुलर टॉपिक डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर यू सो दैट आने वाले चैप्टर्स में आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो सो so, आज का सेशन स्टार्ट करते पहले हम डिफ्रेंसिएशन समझेंगे फिर हम इंटीग्रेशन समझेंगे सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंसिएशन और इसको हम फिजिक्स में क्यों यूज करते हैं ओके सो डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं जैसे वेलोसिटी हो गया वेलोसिटी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम राइट सिमिलरली एक्सलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो जहां पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रेस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी आएगा वहां पे हम डिफरेंसिएशन यूज करेंगे सो बेसिकली डिफरेंसिएशन जो एक आ, आ, प्रोसेस है उससे हमें एक क्वांटिटी का चेंज इन रेट पता चलेगा विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी राइट तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा y वर्सेस x ग्राफ है यहाँ पे मुझे जानना है कि अगर एक्स चेंज होता है तो y किस रेट से चेंज होगा राइट दैट मीन्स आई वॉन्ट टू फाइंड वॉट इज द चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. ठीक है अगर ये चेंज बहुत ही स्मॉल हो तो इसे हम dy वाई बाई भी लिख सकते हैं ये dy वाई बाई होता है उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और इसे हम बोलते हैं डिफ्रेंसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है तो डीवाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट डिफर ऑफ वाई विध रेस्पेक्ट टू एक्स का किसी पॉइंट पे स्लोप पता करूं थीटा सो ये जो टेन थीटा होगा दैट इज ऑल्सो डीवाई बाई डी एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विध रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाता है तो डिफरेंसिएशन क्या बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विध रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मुझे एक कर्व दिया हुआ है उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टैंज ड्रॉ करके टेन थीटा निकालू मतलब उस पॉइंट के लिए स्लोप निकालू सो दैट स्लोप इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंसिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गई है राइट right. अब बात करते हैं आ, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप बहुत सारे फार्मूलाज देखोगे डिफ्रेंसीेशन में लेकिन बहुत कम फॉर्मूलाज है जो हम फिजिक्स में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे तो आई फोकस ऑन दोज फार्मूलाज ओनली जहां पे फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है तो so, सबसे पहला डिफरेंसीेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट एक कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसीेशन कैसे करें सो वही लेट्स से सी हमारा एक कॉन्स्टेंट है सो so, कॉन्सटेंट चाहे कुछ भी हो जाए कांस्टेंट ही रहेगा इट विल नॉट चेंज विद एनीथिंग सो डिफरेंसिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू एनीथिंग इज जीरो डिफरेंसिएशन ऑफ अ कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एनीथिंग इज जीरो जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज द डिफरेंसिएशन ऑफ टू आप बोलोगे जीरो डिफरेंसिएशन ऑफ थ्री जीरो डिफरेंसिएशन ऑफ पाई जीरो ये सारी क्या है कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज हैं दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पावर मतलब n दे रखा है तो इसका दैट विल बी n टाइम्स x टू दावर एन माइनस वन एन टाइम्स x टू दावर एन माइनस वन फाइन ये जो पावर है उसको आगे ले आएंगे और उसमें से एक पावर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फाइन तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंसिएशन होगा दैट इज एन टाइम्स एक्स टू दावर एन माइनस वन जैसे आ, मैंने लिखा डिफरेंसिएशन ऑफ एक्स स्क् तो ये क्या हो जाएगा एन यहाँ पे टू है सो इट इज टू टाइम्स एक्स टू दावर टू माइनस वन दैट इज टू एक्स सिमिलरली अगर मुझे फाइंड करना है डिफरेंसिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर सिक्स तो एन यहाँ पे बेटा सिक्स है राइट right? तो ये हो जाएगा n टाइम्स एक्स टू पावर n माइनस वन मतलब टाइम्स एक्स टू पावर सिक्स माइनस वन विच इज इक्वल टू सिक्स इन टू एक्स टू 5 फाइव ठीक है अगर मैं लिखूं एक्स टू पावर माइनस वन राइट एक्स टू पावर माइनस वन तो इस केस में बेटा n माइनस वन हो जाएगा राइट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स टू दावर एन माइनस वन सो इट विल बी माइनस वन इंटू एक्स टू दावर माइनस वन माइनस वन विच इज माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर माइनस टू मतलब ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वैसे अगर आपको फाइंड करना है इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू दावर माइनस सेवन सो एन क्या हो जाएगा बेटा माइनस सेवन एन कुछ भी हो सकता है

राइट right? जब भी हमारा फंक्शन पॉलिनामियल फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाइड होगा किसी कॉन्स्टेंट के साथ तो कॉन्स्टेंट को एज इट इज छोड़ देंगे राइट सो डिफ्रेंसियन ऑफ दिस क्या हो जाएगा टू एज इट इज और एक्स टू दी पावर थ्री का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा थ्री टाइम्स एक्स टू पावर थ्री माइनस वन सो दिस इज सिक्स एक्स जैसे मैंने आपको बता दिया फाइव

so that is how you can do the differentiation of a polynomial multiplied by some constant constant ko as it is chhodna hai all right ab dekho differentiation in sum and difference let's say mere paas do function hai u or v in dono ko maine add kara तो मेरे पास जो differentiation होगा वो कैसे आएगा मुझे u का individual differentiation पता है मुझे v का individual differentiation पता है लेकिन u प्लस वी को जब ऐड कर देंगे तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत ही सिंपल है बेटा हमें क्या करना है कि dy वाई वाई निकालने के लिए u को डिफ्रेंशिएट करो du यू अपॉन डी और v को डिफरेंशिएट करो dv वी अपॉन डी और उनके बीच में जो साइन है वो एज इट इज़ रख दो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फंक्शन दिया 2x एक्स प्लस फोर है ना तो यहाँ पे 2x का मुझे पता है मुझे फोर एक्स क्यूब का पता है लेकिन इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा तो आपको कुछ नहीं करना यू डोंट हैनीथिंग डीवाई वाई डी एक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा टू एज इट इज ये एक्स टू दावर वन है सो इट इज वन टाइम्स एक्स टू दावर वन माइनस वन प्लस बीच में जो साइन है उसको रखो प्लस फोर टाइम्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब डिफरेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज थ्री टाइम्स एक्स टू दावर थ्री माइनस वन ठीक है यह आ जाएगा टू टाइम्स एक्स टू दावर जीरो प्लस ट्वेल्व टाइम्स एक्स स्क्स दावर जीरो से यू कैन फाइंड डिफ्रेंसिएशन इफ टू फंक्शन आर एडेड टूगेदर सिमिलर सिमिलरली यू कैन फाइंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ समेशन सम कैसे करना है जैसे y is to u minus v है तो देखो पहले u को डिफरेंशियट करो v को डिफरेंशियट करो और बीच में जो है उसको एज इट इज रख दो तो बाई डी एक्स क्या जाएगा बेटा इट विल बी डी यू बाई डीएक्स माइनस डी वी बाई ठीक है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे y को मैंने रखा फाइव एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स टू दावर फाइव ठीक है ये हमारा फंक्शन आ गया फाइव एक्स क्यूब का मुझे इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएशन पता है फोर टू दी पावर एक्स टू दी पावर फोर टाइम्स एक्स टू दी पावर फाइव का मुझे इंडिविजुअली डिफ्रेंसीशन पता है तो हम क्या करेंगे इनको पहले तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और जो बीच में साइन है उसको एज इट इज रखेंगे सो फाइव टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा थ्री टाइम्स एक्स टू दावर थ्री माइनस वन माइनस फोर टाइम्स डिफ्रेंसीशन ऑफ एक्स टू दावर फाइव फाइव टाइम्स एक्स टू दावर फाइव माइनस वन ठीक है पॉलिनोम फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स राइट सो दिस इज फिफ्टीन एक्स स्क्स ट्वेंटी पावर फोर ये हमारा आ गया डिफ्रेंसी ओके आर राइट ना ये कुछ क्वेश्चन हैं, चलो मिलके ये क्वेश्चन करते हैं यू गाइज कैन पॉज द वीडियो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको कितना इंप्लीमेंट करना आया है सो फॉर द फर्स्ट वन

फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वा प्लस टू एक्स प्लस वन है ना तो ये आपका आ गया डिफ्रेंसी दूसरा पार्ट देख लेते हैं सेकेंड पार्ट इज वाई इज इक्व टू थ्री एक्स स्क्वेर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर सो डी वाई बाई डी एक्स बेटा क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी थ्री टाइम्स डिफ्रेंसीशन ऑफ एक्स स्क्र इट इज पावर टू माइनस वन प्लस अ कॉन्स्टेंट सो इट्स डिफरेंसिएशन विल बी जीरो सो इट इज सिक्स एक्स प्लस फाइव राइट सिक्स एक्स प्लस फाइव सो इस तरीके से यू कैन फाइंड डिफ्रेंसीेशन नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रूल जैसे दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो उनको कैसे हम डिफरेंशिएट uh, करेंगे फॉर एग्जाम्पल इज गिवन एज u इन टू वी मतलब u और v दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाइड हैं फाइन तो मैंने बोला कि डिफरेंसीशन ऑफ डिफरेंसी ऑफ u इज u डैश एंड डिफरेंसीेशन ऑफ v इज v डैश बेटा ठीक है सो प्रोडक्ट रूल से हमारा जो u इंटू वी का डिफ्रेंसीेशन आएगा डी वाई वाई डी एक्स या फिर y डैश वाई डैश इज द डिफ्रेंसिए डू यू डी प्लस वी डैश है ये आपका क्या गया? Product rule आ गया प्रोडक्ट रूल आ गया फाइन इसको करने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता देना चाहती हूं जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर वापस आते प्रोडक्ट रूल पे सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बेटा कॉस एक्स होता है

कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एंड कॉसेक एक्स का माइनस कॉसक एक्स कॉट एक्स फाइन इनमें से ये जो फर्स्ट थ्री हैं ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली साइन एक्स एंड कॉस एक्स ये हम ऑल्टरनेटिंग करंट में वेव्स में एस एच एम में इन सब की डिफ्रेंसिएशन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स के फाइन चलिए तो समझते हैं प्रोडक्ट uh, रूल तो मेरे पास एक फंक्शन है लेट्स ए वाईज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायेर X, y X sin X. मुझे दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है यू एक्स स्क् वी साइन एक्स हो जाएगा, जाएगा राइट आप u किसी को भी ले सकते हो आप v किसी को भी ले सकते हो तो मैंने u को ले लिया एक्स स्क् वी को ले लिया साइन एक्स तो यू इज एक्स स्क् v is sin x ठीक है अब u डैश डिफरेंसिएशन ऑफ u इज u डैश विच इज टू टाइम्स x एंड डिफरेंसिएशन ऑफ v इज v डैश विच इज साइन x का इज cos x फाइन अब मुझे इसका डिफरेंसिएशन निकालना है तो मैं इसको यहां पे बेटा फॉर्मुले में पुट करूंगी u डैश v प्लस वी डैश यू वहां से अपन ने जो टेबल बनाया है ये और ये इससे उठा के सारी वैल्यूज पुट कर दो

एक एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल ये है कि हमारा जो फंक्शन है साइन एक्स की जगह एक्स रख लेते हैं चलो तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा ओ, फिर से साइन एक्स लिख रहे हैं एक्स की जगह पे हम यूज करेंगे कॉस एक्स, डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स क्यूब ये हमारा फंक्शन है तो देखो ये डिवाइड हो रखे कॉस एक्स को हम एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं तो ये u अपॉन वी फॉर्मेट है इसमें आप कोई सा भी u, कोई सा भी v मत मानो क्योंकि फॉर्मूले में गड़बड़ हो जाएगी न्यूमरेटर वाले को u, डिनोमिनेटर वाले को v, ठीक है तो u हो गया x, एंड v हो गया एक्स क्यूब तो यहां से बेटा u डैश हो जाएगा माइनस आइन एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस एक्स

ठीक है डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर वी जो है उसका स्क्वायर करना है मतलब का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वे कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर एक्स ठीक है कॉमन लेके आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो बट मेन फंडा अपना यही रहेगा ठीक है फाइन बहुत रेयरली हम फिजिक्स में नीट फिजिक्स के लिए बहुत रेयरली ये और ये रूल कहीं पे यूज करेंगे पर एक बार ही पढ़ लेना ताकि अगर गलती से कहीं पे आ जाए तो हमें एक सहूलियत रहे कि हाँ हमें आता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग फंक्शन मतलब अगर मेरे पास लॉग बेस ई है तो इसको हम एल एन एक्स भी बोलते हैं एल एन एक्स मतलब बेस ई e है राइट right? सो ऑफ बेटा हो जाता है वन अपॉन एक्स फाइन ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा देख लेना नेक्स्ट इज डिफरेंसिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन सो ई टू दावर एक्स आपका जो है ई टू दावर समथिंग इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ओवर हियर तो यहाँ पे बेटा डिफरेंसिएशन ऑफ ई टू दावर एक्स जो होता है वो ई टू दावर एक्स ही रहता है अकेला ऐसा फंक्शन है जो डिफ्रेंशियट करने पे चेंज नहीं होता राइट right? e टू द पावर x का डिफ्रेंसियन e टू द पावर x ही रहेगा फाइन अब देखो इसमें एक और फॉर्मेट आता है e टू दावर ए एक्स ए कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंसिएशन हो जाएगा a टाइम्स e टू दावर ए एक्स जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया e टू दावर थ्री एक्स तो a क्या हो गया थ्री तो थ्री को आगे मल्टीप्लाई कर लो और बाकी फंक्शन को एज इट इज लिख लो So, this is differentiation of to the power 3X. जितना concept simple है ना उसको उतना ही सिंपल रखना चाहिए Don't make it, uh, complicated. आप बहुत सारी जगह पे देखोगे की कॉन्सेप्ट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में प्रेजेंट किया हुआ देखो इसमें ना कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट है डिफरेंसिएशन आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जा सकता है लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे नीट के लिए उतना यूजफुल है नहीं है तो हम उतना मतलब नहीं करेंगे बिकॉज इट विल अननेसेसरी ड्रेन योर एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड नहीं है उस एनर्जी को हम कहीं और लगाएंगे फाइन चलिए सो कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा आप पॉज करके आप सब सॉल्व करेंगे फिर फाइनल आंसर मैच करेंगे ऑल राइट right, तो यहां पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई टू दी एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ y डैश विल बी डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई टू दावर एक्स तो डिफरेंसिएशन ऑफ साइन एक्स बेटा क्या हो जाएगा कॉस एक्स एंड प्लस डिफरेंशियन ऑफ ई टू दावर एक्स ई टू दावर एक्स ही रहेगा फिर दूसरा हमारे पास है वाई इज इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एल एन एक्स प्लस फोर ई टू दावर एक्स प्लस फाइव तो अगर मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन चाहिए तो पहले हम क्या करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे थ्री एज इट इज एक्सक्वायर का डिफरेंशिएशन टू इन टू एक्स टू दावर टू माइनस वन वन एल एन एक्स इज वन अपॉन एक्स प्लस फोर ई टू द एक्स ई टू द एक्स ही रहेगा और फाइव का डिफरेंशिएशन जीरो तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस फोर टाइम्स ई टू द एक्स थर्ड जो है दैट इज ई टू द पावर एक्स टैन एक्स ई टू द एक्स टैन एक्स अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे इसको यू ले लो इसको वी ले लो यहां पे अपनी टेबल बना लो यूजर एक्स वी इज इक्वल ई टू दी पावर एक्स ओनली डिफरेंसिएशन ऑफ यू इज यू डैश ई टू दावर एक्स एंड डिफरेंसिएशन ऑफ वी इज वी डैश विच इज टेन एक्स का डिफरेंसिएशन सेक स्क्स ठीक है सो वाई डैश आ जाएगा यू डैश वी प्लस वी डैश यू यू डैश कितना है e to the power x v हमारा है tan x प्लस v डैश है sec square x और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा u which is e to the power x तो आप e to the power x कॉमन ले लो सो इट विल बी tan x प्लस sec square x ठीक है इस तरीके से हम तीनों फंक्शन को इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आई होप आप सब लोग कर पा रहे होंगे मतलब हमारे पास ना ऐसे फंक्शन तो आएंगे भी नहीं फिजिक्स में हमारे पास सीधा सीधा ऐसे आएगा कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क् प्लस टू एक्स प्लस वन ऐसे ऐसे फंक्शन आएंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए नीट के लिए फाइन और राइट अब दूसरा एक चीज़ होता है चेन रूल जो हमें चाहिए होता है एस एच एम में वेव्स में ऑल्टरनेटिंग कारेंट में वहां पे हम चेन रूल यूज़ करते हैं तो लेट्स अंडरस्टैंड चेन रूल क्या है देखो मैं आपको सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊंगी ये ये बताऊंगी तो डर जाओगे सिंपल सी बात है देखो मुझे पता है साइन एक्स का डिफ्रेंसीशन कॉस एक्स होता है साइन टू एक्स का डिफ्रेंसीशन क्या हम कॉस टू एक्स लिख सकते हैं no. नो इट इज रॉन्ग ठीक है सिमिलरली sin 3x का डिफरेंशिएशन इज नॉट cos 3x ये भी रॉन्ग हो जाएगा फाइन तो ऐसे में जैसे sin x सीधा-सीधा है तो मुझे पता है e cos x आएगा लेकिन sin 2x आ गया sin 3x आ गया तो ऐसे में हम सीधा-सीधा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते वहां पे हमारी हेल्प करेगा चेन रूल फाइन तो चेन रूल कैसे करना है? देखो सिंपल सी बात है यहां पे साइन एक फंक्शन है उसके अंदर एक्स है राइट right? तो मैं साइन एक्स को जब डिफरेंशियट कर रही थी तो मैंने देखा सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे मैंने देखा सबसे पहले आया साइन तो मैंने लिखा साइन को तो कॉस हो जाता है डिफरेंशिएशन, राइट right? मैंने साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स लिख दिया फाइन फिर जैसे ही मैं और अंदर गई साइन के बाद मुझे मिला एक्स तो इन टू में मैंने एक्स का डिफ्रेंसीशन लगाया वन तो इसलिए मेरे पास साइन एक्स का डिफ्रेंसीशन आया कॉस एक्स सिमिलरली अगर साइन टू एक्स है तो साइन टू एक्स का सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे सो so लेफ्ट में सबसे पहले मिला साइन तो साइन का डिफ्रेंसीशन कॉस टू एक्स लिख दो ठीक है फिर इन टू में आप और अंदर गए तो आपको क्या मिला टू एक्स तो इन टू में करके आप टू एक्स को भी डिफरेंशियट करो सो इट इज टू टाइम्स है, तो so, सबसे पहले हम गए साइन को डिफरेंशियट करने कॉस थ्री एक्स एज इट इज लिखो ठीक है फिर उसके बाद मुझे मिला थ्री एक्स तो 3x को भी डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे 3 टाइम्स डिफरेंशियन ऑफ x विच इज 1 सो so, जाएगा 3 cos 3x, राइट right? और भी कुछ एग्जाम्पल देती हूँ मैं रुक जाऊँ यहाँ पे लिख लेते हैं पहले जगह ढूंढ लेते हैं जैसे मैंने लिखा e टू दी पावर एक्स स्क्वे तो सबसे पहले हमें कौन मिला e टू दी पावर तो e टू दी पावर का डिफ्रेंसिएशन होता है e टू दी पावर तो ये जाएगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज फिर हम और आगे गए तो हमें मिला एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2x एक्स right? राइट तो इस तरीके से हम क्या करेंगे चेन रूल अप्लाई करेंगे देखो आने वाले दो क्वेश्चन से आई थिंक आपको थोड़ा सा आ, एक आइडिया लग जाएगा जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है एल एन थ्री एक्स तो एलेन का डिफ्रेंसिएशन होता है वन अपॉन एक्स एलेन के अंदर जो भी है उसको वन अपॉन में लिख देते हैं तो इट इज वन अपॉन थ्री एक्स फिर मैं आगे गई मुझे कौन मिला थ्री एक्स सो थ्री एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा थ्री इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वन So, ये जाएगा थ्री अपॉन थ्री एक्स तो आ जाएगा वन अपॉन एक्स ठीक है दूसरा 2X plus 5, तो Alan, सबसे पहले हम ला, ला, लेफ्ट टू राइट चलना स्टार्ट किए तो सबसे पहले मिला ln ln को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं उसके अंदर जो भी उसको वन अपॉन में डाल दो बस तो इट इज वन अपॉन टू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस फाइव फिर जब हम और आगे गए तो हमें कौन मिला टू एक्स प्लस फाइव टू एक्स प्लस फाइव का डिफरेंसिएगा ठीक है इस तरीके से यू कैन अप्लाई चेन रूल फाइन चलो अब एक और चीज होती है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप पढ़ोगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑफ वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाता है या फिर हम बोलते हैं डबल डिफरेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विध रिस्पेक्ट टू टाइम तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा मतलब क्या डबल डिफरेंसिएशन या डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है एक बार डिफरेंशिएट करो फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर लो है ना एक बार डिफरेंशिएट करो फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर लो जैसे साइन एक्स है एक बार मैंने डिफ्रेंशियट किया डीवाई बाई निकाला तो मुझे मिला कॉस एक्स फिर इसको मैं वापस एक और बार डिफ्रेंशियट करूंगी तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसियन हो जाएगा सो बेसिकली so को जब आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स इसको बोलते हैं डी टू वाई अपॉन डीएक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डीएक्स स्क्वायर ठीक है तो ये आपका आ गया डबल डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन भी आपके लिए ऐड किए हुए हैं uh, क्वेश्चन पहला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव सो यहाँ से बेटा पहले dy बाई डी एक्स निकालो तो डिफरेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स प्लस थ्री टाइम्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स इज वन प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फाइव इज जीरो सो दिस इज टू एक्स प्लस थ्री अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डबल डिफ्रेंशिएशन राइट, सो दिस टू टाइम्स डिशन ऑफ एक्स इज वन प्लस ऑफ़ फंक्शन का डबल डिफरेंस प्लस साइन एक्स बेटा राइट तो एक बार डिफरेंशियट करो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स ठीक है एक और बार डिफ्रेंशियट करो तो क्या मिलेगा डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्ट इज माइनसेंस प्लस माइनस साइन एक्स तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है दैट इज माइनस टाइम्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉमन ले लिया है तो so, इस तरीके से आप डबल डिफ्रेंसिएशन निकाल सकते हो फाइन चलो अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की तो डिफ्रेंसिएशन में हमने जितना पढ़ा ना उतना ही चाहिए ओके ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना फिजिक्स में मतलब फिजिक्स में ये जो है ना इससे अपना मतलब पक्का पक्का पूरा काम बन जाता है फाइन पढ़ाने को तो बहुत सारी चीज है लेकिन हमारे लिए रेलिवेंसी नहीं है उन चीज़ों की और राइट बेसिक आइडिया ऑफ डिफरेंसिएशन अब सॉरी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन पे आ चुके हैं तो इंटीग्रेशन जो है ना वो डिफ्रेंसीशन का पक्का पक्का दुश्मन है बोलते हैं अगर डिफ्रेंसी ऐसे होता है तो इंटीग्रेशन ऐसे होता है मतलब इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसी ठीक है यहाँ पे जैसे ये कर्व है है ना वाई वर्सेज ग्राफ है मैंने आपसे बोला कि बेटा इसके नीचे का जरा एरिया कैलकुलेट करके बताओ अब बोलोगे मैम ये तो बहुत ही इरेग्युलर कर्व है मुझे क्या पता है इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जब आपको पता ही नहीं इसका फॉर्मूला क्या है तो आप एरिया नहीं निकाल सकते डायरेक्टली राइट right? तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटते हैं इसे राइट right? छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटते हैं अब मैंने सोचा कि ये जो टुकड़ा है इसका मैंने विथ dx ले लिया और इसका हाइट वाई हो जाएगा सो so इसका एरिया आ जाएगा y dx ठीक है अब ऐसे मेरे पास बहुत सारे टुकड़े है, हैं छोटे-छोटे स्ट्रिप्स हैं

ओके okay? अब यहाँ पे एक चीज बताओ एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ कि दो टाइप के इंटीग्रेशन क्या होते हैं हम दो टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे एक एक डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ठीक है इनडेफिनेट क्या होता है जैसे मैंने बोला कि एक सर्कल है आर रेडियस का इसका एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर तो एक जनरल एक्सप्रेशन है. है ना ये, ये कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है जनरल एक्सप्रेशन है आर की वैल्यू वन रखूंगी एरिया मिलेगा पाई आर की वैल्यू टू रखोगे एरिया मिलेगा फोर पाई आर की वैल्यू फाइव जनरल एक्सप्रेशन इट इज नॉट अ डेफिनेट वैल्यू ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोलूं मेरे पास एक मीटर रेडियस वाला सर्कल है इसका एरिया क्या हो जाएगा तो बोलोगे मैम पाई पाई यूनिट्स ठीक है पाई मीटर स्क्वायर तो यहाँ पे इसमें देखो सेम चीज कर रहे हैं लेकिन इसमें मेरे पास एक जनरल एक्सप्रेशन आया इसमें मेरे पास एक डेफिनेट वैल्यू आई तो जब हम एरिया का जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम एरिया का एक लाइक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन ठीक है तो यहाँ पे लेट स्टार्ट विद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है 90 परसेंट क्वेश्चन इसी पे फंसेंगे अगर आते हैं तो फाइन तो यहां पे सबसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ पॉलीनोमियल फंक्शन एक्स टू द एन डी dx का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाता है ठीक है सो इट इज एक्स टू पावर एन डीएक्स इज एक्स टू दावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे एन जो है ना वो बेटा माइनस वन नहीं होना चाहिए बाकी सब ठीक है एन माइनस वन नहीं होगा अपने लिए फाइन तो यहाँ पे एक्स टू दावर थ्री का इंटीग्रेशन करते हैं तो x टू पावर थ्री का इंटीग्रेशन किया तो n की वैल्यू क्या हो गई थ्री तो ये हो जाएगा x टू दावर थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस वन प्लस सी मतलब ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर प्लस सी ऑल राइट फाइन सो यहाँ पे इस क्वेश्चन से आने से पहले एक और चीज में आप दो तीन चीजें डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे जैसे मेरे पास लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स तो ये क्या है एक्स टू दावर जीरो डी एक्स क्योंकि वन इंटू डी एक्स है वन को आप एक्स टू दावर जीरो लिख सकते हो तो n की वैल्यू हो गई जीरो मैंने बोला था माइनस वन नहीं होना चाहिए जीरो तो हो सकता है

दो फंक्शन है एडेड है u प्लस वी इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करो दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लो तो यह इंटीग्रेशन ऑफ u डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx राइट इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इंटीग्रेट कर सकते हो जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वे प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन तो मैं यहां पे क्या करूंगी बेटा एक्स को सेपरेटली इंटीग्रेट करूंगी प्लस यहाँ पे जो प्लस साइन है उसको एज इट इज रखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब सो दिस विल बी एक्स टू दावर टू प्लस डिवाइडेड प्लस प्लस इसका हो जाएगा एक्स टू दावर थ्री प्लस वन प्लस प्लस सी तो जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री प्लस एक्स टू दावर फोर डिवाइडेड बाई फोर प्लस सी इस तरीके से आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो ठीक है अब देखो जैसे मेरा कोई फंक्शन है वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है तो इंटीग्रेशन करते वक्त तो उसको कॉन्स्टेंट को एज इट इज बाहर निकाल लेंगे जैसे इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्स ठीक है इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्स तो ये जो टू है उसको आप बाहर कर लो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्स नाउ तो टू एज इट इज इन टू में कर दो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इट इज एक्स टू दावर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन प्लस सी सो दिस इज टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री

एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स प्लस सी तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री प्लस टू एक्स टू प्लस एक्स प्लस सी टू टू कैंसल हो सकता है राइट right? सो so, ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन का नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर्मूलाइज अगर एन वैल्यू माइनस वन हो जाए मैंने बोला था एक्स टू दावर एन में एन माइनस वन नहीं होना चाहिए राइट right? अगर एन माइनस वन हो जाए तो ये बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स होता है ln एन एक्स प्लस सी देखो इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंसिएशन एल एन एक्स का डिफरेंसिएशन क्या होता है बेटा वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन एक्स हो गया ना रिवर्स प्रोसेस राइट सो वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आता है एल एन एक्स प्लस सी ओके तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर लेते फटाफट से इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स इज ई टू पावर एक्स ओनली प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर ए एक्स जो होगा वो ई टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ ए टू पावर एक्स वो हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई एल एन ए प्लस सी ठीक है तो देखो ये ये थोड़ा याद रख लेना ये थोड़ा याद रख लेना ये नहीं आता अपने अपने में ओके आल राइट लेट्स डू दिस क्वेश्चन सॉल्व टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स डी एक्स सो इट इज़ टू टाइम्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस एक्स टाइम्स डी एक्स सो वी है टू टाइम्स ई टू द एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स टू टाइम्स इ टू दी पावर एक्स इंटीग्रेशन विल बी टू दावर एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स टू दावर एक्स प्लस सी ठीक है ऐसे हम निकाल सकते हैं फाइन फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो अपने को साइन एक्स कॉस एक्स पता होना चाहिए पक्का पक्का सो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल्स की मतलब अभी तक हम इनफिनेट के साथ डील कर रहे थे अब बात करते हैं डेफिनेट की तो डेफिनेट में क्या हो जाता है हम लिमिट लगा देते हैं जैसे मुझे पता करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्स बिटवीन वन एंड टू तो ये वन और टू के बीच में मुझे एक्स स्क्वायर जो कर्व है उसका एरिया निकालना है राइट तो ये जो वन होता है उसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट लोअर लिमिट ठीक है और टू होता है उसे बोलते हैं अपर लिमिट तो कुछ नहीं करना देखो पहले तो हम एक्स एज इट इज इंटीग्रेट करेंगे सो इट विल बी एक्स टू दावर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम वन टू टू यहां पे हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे So, ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फ्रॉम वन टू टू सो दिस विल बी अब हम क्या करेंगे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे सो दिस इज टू टू पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री फिर बीच में आएगा माइनस साइन फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे सो दिस इज वन क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री होगा ये हो जाएगा एट अपॉइंट थ्री माइनस वन अपॉइंट थ्री सेवन अपॉइंट थ्री ठीक है तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन मिल गई फाइन अब देखो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क् वन टू टू अभी हमने किया दूसरा है ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दावर फाइव प्लस एक्स टू दावर फोर डी एक्स फ्रॉम जीरो टू वन सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्स टू पावर फाइव डीएक्स जीरो टू वन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर फोर डीएक्स जीरो टू वन सो यह पावर फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई फाइव प्लस वन जीरो टू वन एंड ये हो जाएगा एक्स टू पावर फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर प्लस वन जीरो टू वन सो ये आ गया एक्स टू पावर सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स जीरो टू वन एंड दिस इज एक्स टू पावर फाइव डिवाइडेड बाई फाइव जीरो टू वन सो दिस इज वन अपॉन सिक्स अपर लिमिट वन अपॉन सिक्स माइनस लोअर लिमिट जीरो अपॉन सिक्स जीरो प्लस इसमें अपर लिमिट रखो वन वन टू पावर फाइव इज वन सो इट इज वन अपॉन फाइव माइनस लोअर लिमिट इज ज़ीरो So, this is 1 upon 6 plus 1 upon 5. So, it is 11 upon 30, right. So, that is how you can find the value of definite integration, all right. So, देखो इतना ही required है हमें physics solve करने के लिए. तो so, अच्छे से वापस इस chapter को revise करना है. तो so, इस video को अच्छे से देख लीजिए. और उसके बाद आप वापस question लगा लीजिए. थोड़े 8-10 question differentiation के 8-10 question integration के. तो so, उससे आपका क्या पक्का हो जाएगा. Fine.

तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने फोर मार्क्स पक्के करेंगे राइट सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन एवरीवन थैंक यू सो मच गाइस एंड टेक केयर एवरीवन बाय बाय